हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिया। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी लवर सिया एंड वेलकम बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड डेली करेंट अफेयर्स। सो फ्रेंड्स, आज 4 जून 2022 का फर्स्ट आर्टिकल फ्रंट पेज से है, जो कि डिफेंस कॉरिडोर से रिलेटेड है, जो जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से है। और जीएस पेपर 3 जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी से है। ओके, तो उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है, डिफेंस कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसका नाम क्या है, यूपी डिफेंस कॉरिडोर या उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर। तो फ्राइडे को मिस्टर मोदी जी क्या किए, अश्योर किए हैं कि वो उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए कुछ करने वाले थे, यानी करने की उनकी इच्छा थी, जो कि ज़रूरी था और किसी भी सेक्टर में करने की इच्छा थी, जो कि अब वो किस में करने जा रहे हैं, डिफेंस सेक्टर में करने जा रहे हैं। ओके, और इस प्रोजेक्ट में इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी 70,000 करोड़ का इन्वेस्ट किया, 70,000 करोड़ का, जो कि क्या करेगा, क्रिएट करेगा 30,000 जॉब्स को, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। मिस्टर अडानी ग्रुप और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जो कि क्या होगा, एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स बनाना, और वो कहाँ पे, कानपुर सेक्शन में से बनाना है, किसके अंदर, मतलब किसका रहेगा, वो उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसका नाम ही है। और फिर इसके बाद अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस क्या करेगा, खर्च करेगा कितना, 50,000 करोड़ रुपीज़ ऑन द 250 एकड़ कॉम्प्लेक्स, यानी ये 1,500 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा इस पे, और फिर क्या, 250 एकड़ ज़मीन में ये कॉम्प्लेक्स बनाई जाएगी। मिस्टर मोदी बोले हैं कि इंडिया के ग्रोथ हिस्ट्री में यूपी का, यानी 21st सेंचुरी में यूपी का क्या रहेगा, एक अच्छा योगदान रहेगा, और यूपी जो है मेजर ड्राइविंग फोर्स बनने जा रहा है, इंडिया का मेजर ड्राइविंग फोर्स बनने जा रहा है। तो अब जो है उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर को और अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। ये जो कॉरिडोर है, ये मिस्टर मोदी के द्वारा अनाउंस किया गया था 2018 में, जब वो क्या कर रहे थे, यूपी इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने इसे अनाउंस किया था। और इसे सिर्फ ये यूपी में ही नहीं, तमिलनाडु में भी क्या किया गया है, यानी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को इस्टेब्लिश किया गया। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, इस फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। तो ये है तमिलनाडु और ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 6 नोड्स हैं और तमिलनाडु में 5 हैं। तो यहाँ पे जो है इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये कोयम्बटूर है और तिरुचिरापल्ली है, सलेम है और ओजर है और चेन्नई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलीगढ़ है, आगरा है, लखनऊ है, कानपुर है और चित्रकूट है और क्या है, झांसी है। तो इन इन जगहों पे ये कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, यानी ये सेक्शन है इनका। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं ये क्या है, कि इंस्पायरेशनल प्रोजेक्ट है, जो कि क्या करेगा, जो फॉरेन डिपेंडेंसी है इंडिया की, इंडियन एरोस्पेस एंड डिफेंस सेंटर सेक्टर का फॉरेन डिपेंडेंसी वो क्या कर हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके 6 नोड्स हम लोग देखें, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ है। और फिर इसके बाद जो है, और जो उत्तर प्रदेश की एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी UPEIDA है, वो क्या करेगी, अन्य राज्यों के, भिन्न भिन्न राज्यों के एजेंसीज से जोड़ेगी। और इसका एम क्या है, इसका एम है कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट एडवांस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब होगा और इसे वर्ल्ड मैप में क्या कर लिया जाएगा, रखा जाएगा, यानी ये लार्जेस्ट हब बनाने का इसका एम है। अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश को क्यों चुना गया है। उत्तर प्रदेश को चुनने का रीज़न है कि उत्तर प्रदेश जो है ये 4th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया में और 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री है इंडिया की। और इसके साथ साथ यहाँ पे कितने पॉपुलेशन है, 200 मिलियन पॉपुलेशन है।
और ये क्या करता है, यहाँ पे हाईएस्ट नंबर के लेबर फोर्स अवेलेबल हो जाएंगे आसानी से। और इंडिया के ये टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स में से एक है। अब देख लेते हैं, और यूपी का स्थान MSME में यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में फर्स्ट रैंक आता है, और EODB में क्या आता है, इसका सेकेंड रैंक आता है, यानी EODB ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस, ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस में सेकेंड रैंक आता है। और फिर बात करें डिफेंस कॉरिडोर के बारे में, तो डिफेंस कॉरिडोर क्या रिफ़र करता है, डिफेंस कॉरिडोर्स बताता कि एक ऐसा पथ यानी ऐसा रूट जो कि डिफेंस इक्विपमेंट को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है, और किसके द्वारा, पब्लिक सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, MSMEs के द्वारा। और क्या करता है, डिफेंस जो डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी हैं उसे बढ़ाता है। और फिर क्या करेगा, बात करें इसकी सिग्निफिकेंस के, तो इसकी मतलब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। ये करेगा क्या, इंडिया को नेशन सेल्फ मतलब सेल्फ रिलायंट बनने में सहायता करेगा। और किसके क्षेत्र में, डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में। और क्या करेगा, प्रमोट करेगा इंडिया को मेक इन इंडिया। और क्या करेगा, जो इम्पोर्ट्स हैं यानी बाहर फॉरेन से जो हम इक्विपमेंट मंगाते हैं उसे रिड्यूस करेगा, कम करेगा। और फिर एक्सपोर्ट को यानी हम लोग क्या करेंगे, निर्यात करेंगे इक्विपमेंट्स का, उसे प्रमोट करेगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी कंट्री के अंदर करेगा। और इसके बाद और ये इनक्रेज करेगा डिफेंस मैन्युफैक्चरर इकोसिस्टम को, और प्रमोट करेगा क्या, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर यानी प्राइवेट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, जिसमें क्या क्या शामिल होंगे, MSMEs और स्टार्टअप्स भी शामिल होंगे। तो यही थी इसके बारे में जानकारी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ जहाँ आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है मुझे और यहाँ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।